आप लोगों की आवाज बहुत कम है, तो वैसे तो बहुत सारे चिल्ला रहे थे, क्या बात है। एक मैंने प्रश्न कराया था पढ़ने लेने वालों से, ये दिमाग का टेस्ट हो रहा है कि इस देश के अंदर हमें सबसे पहले स्कूल की स्थापना किसने करी थी, कौन सी तारीख में करी थी। एक भी जवाब दिया गया, सावित्रीबाई फुले ने स्थापना करी थी, जाने के उनसे पहले उन्हें पति लगे, पढ़ी थी आठवीं क्लास पढ़े हुए थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आठवीं क्लास पढ़े हुए थे, तीन पुस्तक लिखी उन्होंने, गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, सत्य शोधन समाज। तो आए सर, सर का बहुत बहुत स्वागत है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव राणा जी अम्बेडकर, संत शिवमणि कुलभूषण, संत रविदास जिनको कई नामों से जाना जाता है, रैदास, रविदास और बहुत सारे नाम हैं जिनसे आपसे पूछूंगा, और हमारे प्रधान जी अशोक कुमार जी, प्रधान धर्मपाल जी, महाशय शिवपाल स्नेही जी और तमाम सभी ग्रामवासियों को नमन करते हुए तथा मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करने वाले मेरे आदर्श डॉक्टर रघु कृष्ण बोध, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यदि आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ, चेहरा तो ऊपर विचार करके फेस में पूरा आना चाहिए ना, है पलक की रोशनी है, अभी रोशनी की चाहिए कैमरे, देवेंद्र कुमार गौतम साहब ने चेहरा बात कही रोशनी कि हमको जब हम किसी वर्ण में आते ही नहीं तो हम वो त्योहार क्यों मनाते हैं जो हमसे संबंधित नहीं है, हमें उसकी क्या जरूरत है। क्या हमें ये डर लगता है कि कोई देवी देवता हमें आके जवाब कर देगा, ये सब तो हमें जवाब देते रहिए, ऐसा लगता है कि हम अपने इतिहास को जब जानेंगे तो हमें पता लगेगा जितने भी त्योहार हम मना रहे हैं, जितने भी त्योहार हम मना रहे हैं वो अपने महान पुरुषों के अगेंस्ट मना रहे हैं, उल्टा मना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे होली का, जैसे होली पे आप लोग उनको होली मनाते हैं, उसमें औरत जात के लिए सबसे बड़ा जुर्म है कि एक औरत को, एक महिला को जला दिया गया और हम होली मना रहे हैं। हम थोड़ा भी नहीं सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कटोरी में दंगा, इसका अर्थ क्या हम समझते हैं वास्तव में, हम इसे कहानी के रूप में समझ लेते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया हम उसी को समझ लेते हैं कि दो ब्राह्मण गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं गंगा जी जा रहा हूं तुम्हें भी चलना तो चलो। यहीं पे ही सोचने की बात है कि क्या एक शूद्र के यहां पर, एक अछूत के यहां पर कोई ब्राह्मण जा सकता था, नहीं जा सकता था ना। हाँ तो वो कहते हैं हमसे रविदास जी कि मन चंगा तो कटोरी में दंगा, आप अपने कर्म सही रखिए, आपको किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। हम एक साल में लगभग 30,000 से 35,000 तक त्योहारों में खर्च कर लेते हैं, हम क्यों नहीं उसी पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में क्यों नहीं खर्च करते। रक्षा बंधन का उदाहरण नहीं गया है, मैं यहाँ पर इतने पढ़े लिखे बालक बच्चे भी हैं, प्रधान जी भी हैं यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस त्योहार से आप अपनी बहन,
अपनी बेटी को कमजोर नहीं समझ रहे कि हम उसे रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। आप कौन रक्षा करने वाले? आज की दुनिया में महिला किससे कम है क्या? बाबा साहब के संविधान के अनुसार महिला और पुरुष दोनों बराबर है। रविदास जी के शिक्षा के अनुसार महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। तथागत गौतम बुद्ध के अनुसार महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। तो आप कौन है रक्षा करने वाले? वो अपने शत्रु कर सकती है। आज अगर आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं तो लड़की इंस्पेक्टर बन सकती है, आप आईएएस बन सकते हैं तो लड़की आईएएस बन सकती है। तो हम राखी बांधकर उसको नीचा महसूस कर रहे हैं, वो भी अपने को कमजोर महसूस कर रही है। क्या राखी ही केवल ऐसा बंधन है जो बहन भाई के प्यार को पता चलता है कि बहन भाई प्यार है? उसके पीछे आप षड्यंत्र देखिए। क्या बिना राखी के बहन भाई का प्यार कम हो जाता है? आप बताओ। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे बाबू जी। बहन और भाई का ऐसा प्यार है दिल का जो कभी कम हो ही नहीं सकता। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सब गरीब नहीं है अधिकतर लोग, उसको आने में दिक्कत है, बेचारे को भाई को जाने में दिक्कत है। यहाँ पे दरार आ जाती है त्योहारों में कि मैंने तो मेरी बहन ने मराई समझ लिया, वो तो मैंने राखी बांध देनी है। मजबूरी नहीं देखी कि उसकी बेचारी मजबूरी क्या होगी। तो हमें ऐसी चीजों से अलग अपने को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उस तरह से कि जैसे एक खेत है, एक ऊंचा एक तरफ नीचा, तो क्या उसमें फसल अच्छी हो सकती है? सर प्रधान जी, ऊंचे नीचे खेत में फसल तो अच्छी नहीं हो सकती ना। जहां पानी ज्यादा होगा वो फसल बढ़ जाएगी, ऊपर पानी जाएगा नहीं होगा समझ जाएगी। लेकिन जहां पर खेत समतल होगा तो वहां पर पानी हर जगह जाएगा, समान रूप से जाएगा और फसल भी अच्छी होगी। ऐसे ही हम हैं, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अपने स्तर को जो ऊंचा समाज है अपने को समझता है, हमें नीचे से उठकर उस समाज के समतल आना, बराबर आना है। और वो बराबर हम आ सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। हमें कोई ना कोई देने आना है, ना कोई सरकार देने आएगी, हमें अपनी अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। अत दीपो भव, ये बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना गुरु स्वयं बनो। ईश्वर कहीं भाव नहीं है। रविदास जी भी कहते हैं सब अपने अंदर है, झांक के देते हैं, झांकने की जरूरत नहीं। हाँ देखो सही कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, अगर घर में आप केवल और केवल शराब का ही आज से तिरस्कार कर दें तो आपका घर चमकना शुरू हो जाएगा, आज से ही चमकना शुरू हो जाएगा। लेडीजों को आधी टेंशन तो आपकी शराब से आती है, घर में बीमारियां आपसे शुरू होती है। अपने बच्चों की तरफ देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए एक ये मेरा निवेदन जरूर मान लें। हमारे महान पुरुष भी कहने गए हैं, अगर संविधान को हम ना उसकी बात मान पाए और संविधान की रक्षा ना कर पाए तो बाबा साहब की वो कोटेशन जो उन्होंने कहा था, जो प्रधान जी के घर पे शायद लगी है, कि इस कारवा को बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक लेकर आया हूं, मेरे बाद इसे आगे बढ़ाना और कम से कम ना बढ़ा सको तो इसे पीछे मत हटने देना। तो इस इन सब बातों से बाहर निकलते हुए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानिए और जो शिक्षा हमें रैदास देते हैं, तथागत गौतम बुद्ध देते हैं, कबीरदास जी देते हैं, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर देते हैं, उस शिक्षा को हमें पढ़कर समझकर अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने यह भी कहा है कि बहुत सारी डिग्रियां होने के बाद भी अगर उसे अपने इतिहास का नहीं पता है
तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपने इतिहास का पता होना जरूरी है। आप पहचानिए अपने आप को, हम पहले ही शासक रहे हैं इस देश के, अपने आप को जज्बे को पहचानिए। सुभारती यूनिवर्सिटी में हमने जो बौद्धिस्ट परिवार होते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं रखी हैं कि जो ऐसे परिवार हैं जो बौद्धिस्ट मतलब बुद्ध की विचारधारा पे चलने वाले लोग, जो साइंस विज्ञान को मानने वाले लोग, उनको शिक्षा में 10% की छूट दी जाएगी, चाहे वो बीएड करें, चाहे वो एमबीबीएस करें, चाहे वो आपका कुछ भी करें। दूसरा, ऐसे परिवार जो बहुत गरीब हैं, इलाज नहीं करवा सकते, उनका इलाज बहुत कम दरों पर सुभारती में किया जा सकता है। और बुद्धिस्टों का जो बुद्धिस्ट होगा जिनके पास वो सर्टिफिकेट होगा उनको फ्री इलाज है। बात समझ आई सर? हैं? रमाबाई का नाम सुना है? माता रमाबाई का नाम सुना है? बच्चों, माता रमाबाई का नाम सुना है? कौन थी? पिता पत्नी थी, है ना? माता रमाबाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी थी। और बाबा साहब को यदि बाबा साहब बनाया तो उनकी पत्नी ने बनाया। अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी देने के बाद उन्होंने बाबा साहब को ये महसूस नहीं होने दिया कि आपके कारण मेरा परिवार बर्बाद हो गया। वो हमेशा बाबा साहब को हौसला देते रहे। तो हमें, और वो क्या काम करते थे बेचारे, गलियों से गोबर इकट्ठा करके उपले पाप कर बेचते थे। तो हमें उनकी कुर्बानियों को ध्यान रखना चाहिए। अपने बुजुर्गों को भी हमें समझाना चाहिए कि हम इस अंधविश्वास से बाहर निकलें और विज्ञान की तरफ चलें। पूरा विश्व लगभग 150 देश ऐसे हैं जो बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। कौन से वीडियो बनेंगे अपने वाले? भारत केवल एक अकेला ऐसा देश है जहां पर केवल हमको माना जाता है, अछूत माना जाता है, और विश्व में कहीं अछूत नाम की कोई गोल या बीमारी नहीं है, हमारे यही। तो हम क्यों इसको चपकाए बैठे हैं, हम इसको उससे बाहर फेंकते हैं। इसी के साथ मेरे पीछे आ गए हैं वो, जय भीम, नवोदय, जय रविदास। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथियों, थोड़ थोड़े से इधर बोलिए, अंदर अंदर हमारे लिए कैसी बात, बहुत सारी है। चार जमाने के साथ जब चलाए ना, पांच के कंधे पे हो, इससे पहले चलते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर दूसरी राज करती सदियों से। तो एक तो विशेष ध्यान दीजिए कि आप लोग आगे से भी, कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, सतगुरु की बात करता है, तो बहुत जल्दी रखते थे इकट्ठे होंगे। और ये जितने सारे कंगने तुम्हारे हाथों में बन रहे ना, रेशम की दो, एक होता देश चलना, एक होता शारीरिक लाभ, और एक होता मानसिक। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपको, इस देश के अंदर डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी बताए? सर एक ही बोले होता बेटा, खड़े हो बाबू, बीएड करा के आप खड़े हो। इस देश के अंदर डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हड्डी का डॉक्टर होता है, और मस्तिष्क का डॉक्टर होता है, कई प्रकार के होते हैं डॉक्टर। मुझे नाम बताओ। डॉक्टर का मतलब होगा एक ही होगा पशुओं का डॉक्टर, एक होगा इंसानों का डॉक्टर, एक होगा पीएचडी डॉक्टर, ठीक है? अब आप दे दो इतने बहन जी, आप निकले हो और हम काहे के लिए बुला रहे हैं, कौन से झट्टे बारे हो? इधर खड़े हो, बाबू इधर खड़े हो, क्यों झटके मारे? इधर देखो, चलो शादी में जाओ। इस देश के अंदर दुनिया में तीन प्रकार के डॉक्टर होते हैं,
और हमारे देश के अंदर चार आकार बॉर्डर क्रॉस ही करना खाते एक प्रकार का डॉक्टर बदलता है। 1932 में 7 नवंबर 2011 को हमें इस देश के अंदर अंग्रेजों ने पहली बार शाप भेज दिया। 7 अधिकार इंसान होने के 7 नवंबर में इससे पहले हमारे पास कोई राइट नहीं था किसी जमीन जायदाद पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से दिए ये हमारे लिए पहला अधिकार था जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार पानी का अधिकार जमीन का अधिकार वोट का अधिकार बहुत सारे अधिकार। गोदवेज सम्मेलन पुस्तक आप पढ़ना उसमें लिखा हुआ 1932 में हमारे लिए 3 अधिकार ऐसे दिए बाबा साहब ने कि जिनकी बदौलत आप सब लोग यहां बैठे हैं और हम सब लोग उनके विषय में ना खुद जानते ना इतिहास जानते ना हमने कभी इस विषय में सोचा। दूसरों को तो हम जब बताएंगे जब हम खुद ही नहीं जानते। अगर देश के अंदर मैं आपको बता दूं एक डॉक्टर होता है पीएचडी जो मैंने अभी बताया जैसे हमारे साथ बैठे हैं ये किसी शरीर के भैंसों के डॉक्टर नहीं है पीएचडी डॉक्टर एक पशुओं का एक इंसान। इस देश में चौथा डॉक्टर ऐसा पैदा हुआ वो डॉक्टर कैसा था कि उस जो हमारे अधिकार खत्म थे तो उन्होंने इस देश की सारी रानियों के ऑपरेशन कर दिए बिना हाथ रानियों के बेगमों को बिना हाथ लगाए ऑपरेशन कर सकता है कोई। इस देश के अंदर आजादी से पहले राजा का बेटा ही राजा बना लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लिखकर दे दिया भारत सरकार की उसमें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रात के 11 बजे ऐसे लेते हैं 25 जनवरी उसकी बात रही 25 जनवरी तो उनके पीए ने कहा था कि बाबा साहब 25 साल आपकी सेवा करते होंगे मैंने जीवन में आपको कभी हंसते हुए देखे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नारद चंद्र जैसे ये घड़ी 12 बजाएगी इस देश के अंदर जो हमारे सदियों से गुलाम अधिकार परिवार सब नष्ट था तो आज 12 बजने के बाद जो लोग रोड पे हैं वो संसद पहुंच जाएंगे और जो संसद में वो रोड पर संसार के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जिसने बिना हाथ लगाए किसी को ऑपरेशन कर दिया हो। 5,000 वर्ष की गुलामी को काटने वाले एक ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हमारे देश के लल्लू कल्लू इन्हें ये नहीं पता डॉक्टर अम्बेडकर कितने देश में पढ़े हैं क्या जन्म तिथि है उनकी उनके बच्चे कितने हैं डिग्री कितनी है। अगर एक राइट आज खत्म कर देना तुम्हारा एक राइट दिमाग के अंदर से फतूर निकाल देना कि हम पढ़े लिखे हैं कोई जमींदार है कुत्ते की तरह नहीं पूछे तुम्हारा वोट का अधिकार खत्म कर देना काबिलियत के ऊपर तुम्हें कोई नहीं पूछ रहे देश के अंदर कि हम बहुत बड़े योग्य हैं सुंदर हैं स्मार्ट हैं कोई नहीं पूछ रहा। ये तो बाबा साहब ने आपको रोड वोट का जो अधिकार दिया ना इसकी वजह से लोग आए 5 साल में अन्य इस देश के अंदर कुत्ते की इज्जत है हमारी नहीं ठीक है ना। ये कलावे काटो अपने दुश्मनों की जड़ों में पानी में भरो ये आता तुम्हारा तब है ना तुम्हारे गांव का बच्चा शहीद हुआ होली तब मना रहे दिवाली।